जिस प्रकार का पेनड्राइव मैंने दिया था उसमें जो घटनाएं दिखती है वो घटनाएं घटी है। किस प्रकार से सरकार स्वयं षड्यंत्र कर रही है इसका पर्दाफाश मैंने किया है, इसके बावजूद सरकार कहती है कि इसकी जांच हम पुलिस से करेंगे। सरकार के खिलाफ हम शिकायत करें, सरकार के मंत्रियों का नाम उसमें आए, प्रमुखों का नाम उसमें आए, तो उसकी तफ्तीश कि किस प्रकार से राज्य की पुलिस कर पाएगी, क्या वो दबाव में इस प्रकार की तफ्तीश कर पाएगी, हमारा मानना है नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारी मांग है ये सारा मसला सीबीआई को सौंपा जाए। सरकार सौंपने को तैयार नहीं है, हम न्यायालय के सामने जाएंगे, न्यायालय से निवेदन करेंगे और न्यायालय के माध्यम से हम लोग निश्चित रूप से इसको सीबीआई को ले जाएंगे। एक पेन ड्राइव और पेन ड्राइव जो है वो दिया है और किस तरह से संबंध है अंडरवर्ल्ड से इसका? देखिए, मैंने जो आज पेन ड्राइव दिया है उसमें आप संभाषण सुन सकते हैं और वक्फ बोर्ड के मेंबर अपनी दाऊद से रिश्तेदारी क्या है बता रहे, कैसी उनकी छोटी छोटी बात दाऊद तक पहुंचती है वो बता रहे, सामने वाले को धमका भी रहे और साथ साथ सामने वाले को ये भी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में अब तुम काम करने के लिए आ जाओ, अपन वहां मिलकर पैसा कमाएंगे और आपस में बांट लेंगे। वक्फ की प्रॉपर्टी जो होती है वो खुदा के नाम पर अल्लाह के नाम पर होती है, उसमें भी भ्रष्टाचार करके मिल बांट कर खाने की बात करते हैं और दाऊद से रिश्तेदारी बताते हैं, ऐसे ही लोगों को ये सरकार संरक्षण देती है।